चुनावी वर्ष में एक पार्टी के नेता द्वारा दूसरी पार्टी के नेता पर आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है। यह वर्ष आरोप प्रत्यारोप का वर्ष है, लेकिन आरोप की गंभीरता तब बढ़ जाती है जब एक ही पार्टी के जनप्रतिनिधि एक दूसरे पर आपस में ही गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दे। ताज़ा मामला सिवनी जिले का है, जहां सिवनी विधायक दिनेश राय मुनम उन पर उनकी ही पार्टी के भाजपा के नगर अध्यक्ष ने लगाया है और आरोप भी ऐसे कि उन्होंने तो सार्वजनिक रूप से ये तक कह दिया कि आप फर्जी और नकली वोटों से जीतते हैं। आपके भय से लोग सिर्फ घर के बाहर ही नहीं बल्कि घर के अंदर भी भयभीत है। चीख चीख कर आरोप लगा रहा ये शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि लिखनादौन नगर भाजपा के अध्यक्ष आशीष गुल्हानी है, जो कि नगर परिषद की कार्यवाही का विरोध करते नजर आ रहे हैं। विरोध के चलते ये लगातार गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं अपनी ही पार्टी के सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन पर। गौरतलब हो कि दिनेश राय मुनमुन सिवनी के निर्दलीय विधायक है, जिन्होंने कुछ ही माह पूर्व अमित शाह की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन किया है। वही लखनादौन नगर परिषद के अध्यक्ष पद में उनका ही परिवार लंबे समय से काबिज है। हम बता दें कि विधायक का आरोप प्रत्यारोप से चोली दामन का रिश्ता है। ये तस्वीर है सिवनी जिले की और मामला है लखनादौन की नगर परिषद का। परिषद के द्वारा नगर मुख्य मार्ग पर एक दुकान का निर्माण कार्य तोड़े जाने की कार्यवाही के दौरान लखनादौन नगर भाजपा के अध्यक्ष आशीष गुल्हानी ने नगर परिषद की कार्यवाही का विरोध करते हुए सिवनी भाजपा विधायक दिनेश राय और उनके अग्रज नगर परिषद के अध्यक्ष पर बदले की घृणित राजनीति करने का आरोप लगाया। दरअसल गत दिवस लखनादौन नगर परिषद के द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट के कॉम्प्लेक्स की एक दुकान की सीढ़ी और एक दुकान को तोड़ने की कार्यवाही की जा रही थी, तभी वहां भाजपा नगर अध्यक्ष पहुंच गए और दुकानदार के साथ जमीन पर बैठकर नगर परिषद की कार्यवाही का विरोध करने लगे। मंडल अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि सिवनी विधायक और उनके भाई नगर परिषद की आड़ में राजनीतिक बदला लेने के लिए पार्टी के लोगों को जबरन परेशान कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि सिवनी विधायक भी अब भारतीय जनता पार्टी के ही सदस्य है, तो गुल्हानी ने कहा कि राय में अभी पार्टी के संस्कार नहीं आए हैं, अन्यथा वे इस तरह की हरकत नहीं करते। गुल्हानी ने कहा कि नगर की जनता के बीच भय और अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। करीब घंटे भर चले हंगामे के बाद नगर परिषद के द्वारा निर्माण को हटा दिया गया। नगर पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नगर में ताकत के साथ कार्य किया था, पार्टी के पक्ष में कार्य किया था, एक माहौल नगर के अंदर जो बनाया था, उसके कारण यह कार्रवाई विद्वेषपूर्वक कार्रवाई हुई है। आप जानते हैं कि नगर पंचायत में अध्यक्ष जितेंद्र राय मुनमुन के भाई हैं, इस कारण से वहाँ पर जो है ये कार्रवाई उन्होंने कार्रवाई को करवाया। सिवनी से संजीव क्रिडिया की रिपोर्ट।